गाइस, ये करंजी है बट इसका चूरा हो गया है पूरा। गाइस, आप देख सकते हो हमारा दिवाली का पार्सल आ गया है इंडिया से। ये हमारे फैमिली ने अभी दिवाली है इसलिए बहुत कुछ चीजें भेजी है, बहुत ज्यादा स्वीट्स, दिवाली के स्नैक्स, चकली, करंजी। आई एम सो एक्साइटेड गाइस। इसमें मैंने बहुत चीजें बोली थी, सोन पापड़ी, पेड़ा, कुछ टी शर्ट्स थे, कपड़े थे। तो आप देख सकते हो ये डब्बा DHL से आया है। DHL इज द कुरियर प्रोवाइडर, वन ऑफ द मेजर कुरियर प्रोवाइडर, जस्ट लाइक FedEx, UPS। सो गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड टू ओपन दिस बॉक्स एंड कांट टेल माई एक्साइटमेंट। अभी हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। आई मीन आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितनी खुशी हुई है। दिवाली 10 तारीख से चालू होगी, 10, 11, 12, आई थिंक 3-4 दिन जो भी है, और उसके 3 दिन पहले ही हमारा पार्सल आ गया। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 3 दिन पहले हमारा पार्सल आ जाएगा, बट बहुत ही फास्ट सर्विस दी है भाई इन लोगों ने, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। तो अभी शुरू करते हैं भाई अनबॉक्सिंग। मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा, मैं तो ऐसे तोड़ फोड़ दूं। बट क्या है कि फूड आइटम्स वगैरह बहुत डेलिकेट होते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगेगा फूटेगा तो खाते वक्त। वाओ गाइस, मैं आपको पैकिंग दिखाता हूँ गाइस की क्या लेवल की जो पैकिंग करी है ना इन लोगों ने। आप देख सकते हो इन्होंने स्पंज भी लगाया हुआ है यहाँ पे, मतलब मानना पड़ेगा गाइस, मतलब ये DHL वालों को। गाइस, दिस इज नॉट पेड प्रमोशन बाय DHL, बट मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने सच में बहुत अच्छा काम किया है। सो थैंक्स गाइस। वाओ गाइस, अनबॉक्सिंग, मतलब आपने कभी दिवाली के खाने के डब्बे की अनबॉक्सिंग कभी देखी नहीं होगी, इट्स वेरी अनयूजुअल। आप देख सकते हो आईफोन की अनबॉक्सिंग, फलाना फलाना फोन की अनबॉक्सिंग, सैमसंग फोन की अनबॉक्सिंग, बट इसकी जो अनबॉक्सिंग करने में जो फीलिंग है ना गाइस, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई एम सुपर हैप्पी। वाओ, ये देखो, ये मुझे लगता है ये निकिता के लिए कुछ मॉम ने कपड़े भेजे हुए हैं। So we'll keep it aside. These are some sarees, probably. And guys, chivda. Can you imagine this chivda? Like, aur aisa nahi hai ki sirf ek chivda. Guys, we have 3 different type of chivdas. 1, 2, 3. 3 different types of chivdas. Corn chivda, poha chivda, aur ye chumure wala chivda, mamra wala chivda. मतलब माँ तुझे सलाम। वाओ, और ये भी आप देख सकते हो कि जो पैकिंग की करी है ना, आप गाइस देख सकते हो, दिस इज मतलब ये तो हाई लेवल पैकिंग है भाई, इससे खाना कभी बाहर ही ना निकले। ये देख सकते हो गाइस, चकली, ये चकली है क्या? नहीं 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 नहीं, ये चकली नहीं है, ये मुझे लगता है ये शंकरपाली है, ये शंकरपाली है। ये देख सकते हो आप, शेव है गाइस, शेव, रतलामी सेव जैसी होती है ना, इसे महाराष्ट्र में थोड़ी तीखी सेव बनती है लाल कलर की, तो ये बहुत बहुत सही है मतलब। और ये भी कुछ मंगाया था मुझे लगता है आटा वगैरह ये करने के लिए, लास्ट टाइम मेरा बेल्ट भूल गया था गाइस इंडिया से आते वक्त, ये बेल्ट भी भेजा है, मतलब क्या बोलूं मतलब मैं। गाइज, आप देख सकते हो ये कातरज का पेड़ा, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पेड़ा। एक्चुअली पुणे में हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कातरज डेयरी है, सो वहाँ पे डेयरी में एकदम फ्रेश पेड़ा मिलता है। लाइक गाइज, आई एम आउट ऑफ द वर्ड्स। वाओ, कातरज का पेड़ा आ गया।
केसर. आई डोंट नो व्हाई शी सेंड दिस, क्योंकि केसर तो यहाँ पे मिलता है, बट मे बी जगह थी इसलिए मैंने भेज दिया. व्हाट्स नेक्स्ट? दिस इज डिफरेंट सेव, दिस इज बारीक सेव. ये थोड़ी सी ऐसी छोटी वाली सेव है, आप मतलब पोहा उपमा उस पर शायद डाल के खा सकते हो. लेट्स सी गाइस, दिस इज शंकरपाली. मुझे लगता है ये मीठी वाली शंकरपाली है, और जो हमने पहले दिखाई थी ना, ये मुझे लगता है ये तीखी वाली शंकरपाली है. तो गाइस आप देख सकते हो कि शंकरपाली की भी दो टाइप की शंकरपाली आई है हमें इंडिया से. मतलब आज मैं सच में गाइस, मतलब मेरे चाहे तो 50 रुपए मेरे काट दो ओवर एक्टिंग के, बट मैं बहुत खुश हूं. ये क्या है? ये उठने बोलते हैं एक्चुअली. उठने मतलब जो दिवाली में आप ये अगर अपने बॉडी को वगैरह लगाओगे ना नहाते वक्त, तो आपकी बॉडी मतलब शाइन करेगी. तो ये यूजुअली लाइक स्पेसिफिक टू दिवाली है, इट्स नॉट फॉर डेली यूज. व्हाट्स नेक्स्ट यार? लड्डूज. शायद दिख नहीं होंगे वीडियो में, बट ये लड्डूज है. आई एम श्योर दीज आर द बेसन लड्डूज. गाइज ये क्या है? गेस करो. मतलब कैन एनीवन गेस? गाइज ये चकली का आटा है. तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इंडियन स्टोर से चकली का एक साचा लिया था जिससे चकली बनाते हैं. तो ये इसी के लिए लिया था, क्योंकि हमें पता था कि मम्मी ये चकली का आटा भेजेगी. तो गाइज हम इसकी अब चकली बनाएंगे. ये निकिता की साड़ी. तो ये कुछ तो आलिया भट्ट का ट्रेंड आया था, तो निकिता ने ये आलिया भट्ट की साड़ी मंगाई थी कुछ तो. सो निकिता दिस इज फॉर यू. गाइज इतने सारे डब्बे. निकिता हमें ये डब्बे रिटर्न कर देने चाहिए, कल जो डब्बे लाए थे. ट्रस्ट मी हम रिटर्न कर देंगे वो डब्बे. तो गाइज क्या हुआ कल, अभी आज हमारा पार्सल आने वाला था हमें पता है. तो हम टारगेट से इतने सारे डब्बे लेके आए ना, मतलब $15 के सिर्फ मैंने खाली डब्बे ही लाए दिवाली का सामान भरने के लिए. बट आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे डब्बे तो हमें डब्बे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो हम लोग रिटर्न करने जा रहे हैं भाई. तो ये मुझे लगता है ये ज्वार का आटा लग रहा है मोस्ट लाइकली. व्हाट इज नेक्स्ट गाइस? ये है, अच्छा ये कुछ निकिता की ज्वेलरी वगैरह है, ये साड़ी वगैरह पर पहनने के लिए. ये है निकिता की मेहंदी. तो ये जो हाईफाई मेहंदी है वो लगाती है, ये उसको मिल नहीं रही थी यहाँ पे इंडियन स्टोर में. सो शी वांटेड दिस पर्टिकुलर मेहंदी. सो बाल रंगा लो भाई अपने. सो ये क्या है? ये चकली मसाला. तो ये चकली के आटे में डालने के लिए शायद चकली मसाला होगा. और इट्स नॉट ओनली चकली मसाला, बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चिवड़ा मसाला भी है अंदर, भड़ंग कुरमुरे मसाला भी है. मतलब बहुत सारे मसाले गाइस स्पेसिफिक टू दिवाली आइटम्स. ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ यही खाने वाले हैं, बट हमने और भी चीज़ें बनाने वाले हैं. निकिता को मैं भी हेल्प कर रहा हूँ. तो यस्टरडे उसने तीखी वाली शंकरपाली बनाई, और डे बिफोर उसने मीठी वाली शंकरपाली बनाई थी, और शायद वो कल चिवड़ा वगैरह बनाएगी. तो गाइस मतलब सुबह का नाश्ता और शाम का नाश्ता हमारा यही होने वाला है फॉर नेक्स्ट 1 month. गाइस ये देख सकते हो आप क्या है, ऑरेंज सोन पापड़ी. मतलब आई कांट बिलीव गाइस, ये जो ऑरेंज सोन पापड़ी है ना, ये यहाँ पे मिलती ही नहीं है. यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लेवर मिलता है, कुछ तो घी फ्लेवर मिलता है ये हल्दीराम में. तो गाइस ये फ्लेवर हमको फाइनली मिल गया. वाओ, व्हाट इज नेक्स्ट? तो ये क्या है भाई? ये मुझे लग रहे हैं बूंदी के लड्डू लग रहे हैं भाई, बूंदी के लड्डू. ओके, इसमें क्या है? ये भी मुझे लग रहे हैं लड्डू, बट ये बेसन के लड्डू है. ये भी बूंदी के लड्डू है भाई. इसमें क्या है? वाओ, ये तो गाइस मिस्ट्री है, मुझे पता नहीं इसमें क्या है. ये तो खोल के ही देखना पड़ेगा क्या है. लेट मी गेस. ओ गाइस
ये करंजी है बट इसका चूरा हो गया है पूरा। मतलब आपको पता नहीं होगा गाइस, ये जो बॉक्स वगैरह जो आते हैं ना, ये एयरपोर्ट पे वगैरह ऐसे फेंक देते हैं लोग लिटरली, तो उसकी वजह से जो डेलिकेट चीजें होती है ना, ये चूरा हो गई है गाइस। मतलब बहुत सैड हो गया गाइस, बहुत सैड हो गया। इसमें भी करंजी है क्या? ओहो भाई साहब, ये चकली का भी थोड़ा सा चूरा हो गया है, बट मुझे लगता है चकली थोड़ी सर्वाइव कर रही होगी। गाय ये थोड़ा सा सैड है यार कि थोड़ा सा चूरा हो गया हमारे दो डिब्बों का, बट क्या करें भाई, अभी इंडिया से आप सामान भेज रहे हो, मतलब 8000 प्लस माइल्स, ऑलमोस्ट 12,500 किलोमीटर सामान ट्रैवल करके आएगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना गाइस। मतलब इतने लोग हैंडल करेंगे, दो दिन का सफर तैयार करके आए हैं। वाओ वाओ। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी दिवाली के फूड बॉक्स की अनबॉक्सिंग हो गई है पूरी, और इसे हम खाएंगे लगभग, मुझे लगता है अगले 3-4 हफ्ते तो हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे गाइस। तो गाइज हमारे अगले व्लॉग में मैं बताना चाहता हूँ कि हम दिवाली के फायर क्रैकर्स देखने जा रहे हैं। अटलांटा में एक टेंपल है जहाँ पे दिवाली के ओकेजन पे बहुत सारे क्रैकर्स उड़ाए जाते हैं, तो हम वो देखने जाएंगे। दिस इज आवर फर्स्ट दिवाली पोस्ट मैरिज, सो वी वॉन्टेड टू मेक इट फन, वी वॉन्ट टू मेक इट बिग। सो गाइज थैंक यू, रियली 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 थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो गाइज आप देख सकते हो कि देखो हमारी दिवाली के बॉक्स की अनबॉक्सिंग हो गई ख़त्म। तो एक काम करिए गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनी अपडेट्स। विश यू वेरी 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 हैप्पी दिवाली।